फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए है। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको फोर मेथड सिखाई है, जिसके अंदर फिक्स ईयर, बेस ईयर, कन्वेंशन है फिक्स टू बेस और बेस टू फिक्स में। तो वो अगर आपको एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स वहां से मिल सकते हैं। तो चलो, आज एक न्यू मेथड है जिसका नाम है वेटेज इंडेक्स नंबर। ओके, तो इसको हम लोग सिंपली इंडेक्स नंबर भी बोलेंगे, वेटेज इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है और किस टाइप से? तो वेटेज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि आपको कब इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो याद रखो, जब भी आपको वैल्यूएशन डब्ल्यू वेट दिया है, क्या दिया है आपको, अगर वेट दिया है आपको सम में, तब आप लोगों को यह आला फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। आई का मीनिंग होता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, जैसा कि हम लोग आगे सीख के आए हैं। और डब्ल्यू का मीनिंग होता है पी जीरो क्यू जीरो। अब पी का मीनिंग क्या होता है? पी का मीनिंग होता है प्राइस, और क्यू का मीनिंग होगा क्वांटिटी। क्या होगा फ्रेंड्स? क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलो, आइटम्स डब्ल्यू आई और आई इंटू डब्ल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तभी सम होएगा ना। ये जो ई जैसा दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे? सम। यानी कि हमको सभी का क्या करना है? टोटल कर लेना है। चलो आप देखो, यहाँ ध्यान, आइटम्स दिए ए बी सी डी ई एफ, नीचे लिख दूंगा टोटल। अब उसके बाद उसका वेटेज दिया है 5, 10, 10, 30, 20, 25। ओके, इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना होता है, चेकआउट करो। ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आई देखो इंडेक्स नंबर, परसेंटेज प्राइस रिवेल्यूशन, देखो क्या लिखा है वहां पे, परसेंटेज प्राइस रिवेल्यूशन बराबर रिलेटिव सॉरी। तो वो है हमारा इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो परसेंटेज कर दिया, देखो यहाँ पे इंटू हंड्रेड का मीनिंग तो परसेंटेज ही होता है, तो परसेंटेज कर दिया है। ठीक है, अब देखो आई 290, 315, 280 फिर उसके बाद देखेंगे तो हमको क्या दिया है 300, नेक्स्ट 300, 315 एंड 320 बराबर 320 यहाँ तक हमको दे दिया। इसका सम नहीं करना है क्योंकि आई का सम हमको चाहिए ही नहीं। अब चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, आई इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू करेंगे 290 इंटू 5 करो। आप लोग कैलसी है ना आपके पास, कैलसी के अंदर 290 इंटू 5 करो तो आपको आंसर मिलेगा 1450 आंसर मिलेगा। ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसका तो 3150 हो जाएगा, पीछे खाली हमको 0 ऐड कर देना है। इसका भी 2800 2800 रुपीस। ओके, 3 × 3 9 मीन्स 9000 हो जाएगा। यस, 315 × 20 करो, 315 × 20 करो तो 6300 रुपीस आ जाएगा। 320 × 25 करो तो 800 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा सॉरी 8000 आ जाएगा। अब ये सभी का सम करो, ये सभी का सम करो, प्लस करते जाओ 13700 रुपीस हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बस ये आ गया। देखो फ्रेंड, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू और इसको बोलेंगे सिग्मा डब्ल्यू। अब आपके पास फॉर्मूला है, लिखो आंसर लाओ, 3 मार्क्स रोकड़िया लेके जाओ, 3 मार्क्स 110% बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का सम्स आता है तो आप 110% ये मार्क्स लेके आ सकते हो। चलो देखो, मैंने वैल्यूएशन लिखी और डिवाइड बाय 100 किया, यानी 307
कितना आंसर आया? 307। ओके अब ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? देखो इंक्रीज हुआ है 207%। कैसे मालूम पड़ा? तो आपको लिख देना इंक्रीज हुआ है भैया। कैसे? 307 माइनस 100 हमेशा करना है। ये 100 ये वेटेज वाला 100 नहीं है बेटा, हम लोग जो अजम करते हैं बेस ईयर हमारा हमेशा 100 होता है। तो 307 माइनस 100 करेंगे तो 207% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर लिखने का बोला है तब आप ऐसा लिख सकते हो 207% इंक्रीज बाय एक्सपेंडिचर्स। आपको एक्सपेंडिचर दिए है ना, देखो तो इंक्रीज हुआ है कितने 207%, इतना लिख देना है। बट फ्रेंड्स अगर आपने आंसर नहीं लिखा है तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, यानी आंसर लिखना रखो आप लोग। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का सम, इसमें भी वेटेज इंडेक्स नंबर हमको यूज करना है। देखो पर इसके अंदर वैल्यूएशन कुछ अलग दी है, वेट दिया है बट आई नहीं दिया है आपको। तो आई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं P1/P0 × 100 से। बोलो अभी हाल बताया मैंने, इससे हम लोग आई फाइंड आउट कर लेंगे। यस चलो आइटम्स लिख दो पहले, ABCDEF टोटल। चलो 17, 15, 22, 16, 12 and 18 सम करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब P0 and P1 तो 30, 20, 50, 32, 42, 16 मैं खाली वैल्यूएशन ही लिख रहा हूँ। ओके और P1 का 24, 24, 70, 40, 48, 24 हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा मैं, आई फाइंड आउट करूंगा। तो देखो आई कैसे मिलेगा, 24/30 × 100 करो, 24/30 × 100 करो, 80 आंसर आएगा, 80 आ रही है। चलो नेक्स्ट 24/20 × 100 करना है। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, 24/20 × 100 तो आपका 120 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट 70/50 = 140, 14/32 = 125, 48/40 × 100 खाली अभी कैलसी चलाओ फिर अपनी रिच से सम सोल्व करना, क्योंकि अगर आप लोग सम सोल्व करते आ गए फ्रेंड्स तो इजीली मैं बोल रहा हूँ 3 marks आपको आराम से मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट 48/40 = 120 and 24/60 यानी कि 150 आ जा रही है। इसका सम नहीं होता है, इसका सम नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एग्जाम में नीचे डैश कर दोगे आप लोग, क्या करोगे डैश कर दोगे। चलो आप मल्टीप्लाई करेंगे W × I, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे तो 17 × 80 = 1360। चलो नेक्स्ट 15 × 120 = 1800, 22 × 140 = 3080, 16 × 125 ओके 12 × 120 = 1440, 18 × 24 सॉरी 150 माय मिस्टेक 150 ये वैल्यूएशन लिखने के मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि आप लोग इसको ध्यान में रख के काउंटिंग कर सको। अब ये सभी का सम करो आप लोग, 12,380 रुपीज हमारा आ रही है। ठीक है तो बस आप फॉर्मूला लिखो और आंसर आ जाएगा। देखो I = 1238/100 तो हमारा आंसर कितना है 123.8 मींस 23.8% का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस 28.3%। बस इतना लिख देना है। That's the comparison of the base year 2014, 28.80% increase in the price of the year 2015, यानी कि 2015 के महीने में 2014 थे उसके महीने में 2015 में इंक्रीज हुआ है आपका, ये आपको लिख देना है।
अगर आंसर लिखोगे तो राइट पड़ेगा। तो आई होप सो आप लोग उनके दोनों सम्स क्लियर हो चुके होंगे, और इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस देख के आप लोग अपना कॉमर्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दिया है नीचे प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं लाइव करता हूँ तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।